वेलकम बैक टू द पार्ट फोर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड। बट आर टॉपिक एक रह गया है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब एक तरह से आप सभी जानते हो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, मतलब क्या होता है? शिफ्ट, कुछ चेंज होना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे कि आप इसका आंसर भी फ्रेम कर सको। तो एक्चुअल में है क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं? इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट। किसी चीज को डिस्क्राइब करना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्शन? भविष्यवाणी करना। द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करना या उसको डिस्क्राइब करना कुछ फैक्टर्स को लेके साथ में, ये कहलाता है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है बेटा, द थ्योरी टेल्स अस दैट, ये थ्योरी जो है बेटा बताती है हमको कि पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन होती है चेंज। कैसे? फ्रॉम किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन होती है चेंज। कहां से? हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स टू, इन जगहों से कहां तक? टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स। As society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial, literate society. देखो, ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये एरिया है रूरल, ये एरिया है अर्बन, इस एरिया में इलिटरेसी है। क्या है? इलिटरेसी। इस एरिया में लिटरेसी है। ठीक है, इस एरिया में मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें होती हैं और इस एरिया में बेटा मेनली क्या होता है? इंडस्ट्रियल बेस्ड चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी लोग अवेयर नहीं है, यहाँ पे अवेयरनेस है। तो जब इस जगह से ऑब्वियस बात देखो, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होगी, जहाँ पे नॉलेज नहीं है, इलिटरेसी होगी, वहाँ बेटा बर्थ भी बहुत होते हैं, जन्म होते हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे डेथ भी होती है बहुत। रीज़न आप सभी जानते हैं क्यों होते हैं बर्थ और क्यों होती है डेथ। लेकिन जिस एरिया में होती है लिटरेसी, समझदारी, ठीक है, जो थोड़े होते हैं समझदार, वहाँ पे बर्थ भी कम होंगे, वहाँ पे डेथ रेट भी कम होती है। ठीक है, तो ये जो है शिफ्ट ट्रांजिशन, इसी को बोला गया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, ये पूरी कहानी है आपके। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया। दीज चेंजेस अगर इन स्टेजेस, देखो अब ये तो है नहीं कि अलग अलग, देखो अलग अलग स्टेज में होते हैं आपके, विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। जो बदलाव हो रहे हैं ना, तीन स्टेज है बेटा इसके, देखो बेटा टोटली आपके तीन स्टेज है, तो तीनों स्टेज जो पढ़ेंगे बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेमोग्राफिक साइकिल। ये टेबल याद रखनी है आपको बेटा, रूलर से अर्बन जा रहे हैं, रूलर में क्या है? रूलर के अंदर हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलिटरेसी बहुत है और इनका मेन काम है एग्रीकल्चर। और यहाँ पे अर्बन में क्या है? अर्बन के अंदर आपका लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी है और यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे अवेयरनेस है बेटा आपका। ठीक है, ये आपका बेटा हो चुका है समझ में आपको, आ जाओ हम बेटा पढ़ने वाले हैं इसके स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो बेटा फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी एंड हाई मॉर्टिलिटी होती है, मतलब भाई बर्थ भी अधिक है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है और यहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होते हैं पहले स्टेज में। बिकॉज पीपल प्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। भाई लोग यहाँ क्या करते हैं बेटा, यहाँ की जो जनता होती है ना, जो पतला इस स्टेज की जनता होती है, यहाँ के लोग बेटा बेसिकली करते ये हैं कि ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि डेथ हुई है, तो उसको बराबर करने के लिए, उस कंपनसेट करने के लिए उसको वो बच्चे इनकी अधिक मात्रा में होते हैं पैदा इस स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। भाई ग्रोथ स्लो क्यों? क्योंकि बेटा डेथ भी हो रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज, ये वाली स्टेज वही है जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में होते हैं, लार्ज फैमिली जो है, बड़ी बड़ी फैमिली बेटा जो है वो आपकी एग्रीकल्चर में इंगेज रहती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, यानी कि जीवन जीने की जो एज होती है कुछ पता नहीं हो, कि आप जानते हैं डिजीज है यहाँ पे, इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बीमारियाँ फैली हुई हैं, प्रॉपर चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे आपका। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी,
आप सभी जानते हैं पहले हमारे देश का हाल क्या था, जब हमारे पास में अवेयरनेस नहीं थी। तो यहीं की बात कर रहे हैं, 200 साल पहले की बात करें, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। 200 ईयर्स पहले बेटा भारत, पूरा वर्ल्ड इस स्टेज पर था, जहाँ पे बच्चे भी अधिक हो रहे थे पैदा, मर भी रहे थे बच्चे, और उन बच्चों के रिकवरी करने के लिए कहते ना, सपोज क्या किसी पेरेंट्स ने बोला कि भैया हमें घर में अपने 8 बच्चे चाहिए, ठीक है, 8 में से भैया 4 हो गए पहले और 4 की हो गई डेथ, तो वो फिर 4 और पैदा करेंगे, फिर उसमें से 4 में से 2 बच गए, फिर वो 2 और पैदा करेंगे। तो एक तरह से वो अपना टारगेट पूरा करते थे पहले, ये पहले की बात करते हैं। लेकिन आज हम लोग अवेयर हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अवेयरनेस आ गई है। तो ये पहला स्टेज है जहाँ पे, जो बेटा मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। अब बेटा हम लोग आते हैं स्टेज नंबर 2 पे। स्टेज नंबर 2 कहती है फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद द टाइम। समय के साथ साथ पहले तो बच्चे बहुत होते थे, मतलब पहले बर्थ रेट ऊपर था, लेकिन समय के साथ बेटा आपका ये गिरने लग गया। दिस इज अकंपनीड बाय रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट। जब ऑब्वियस सी बात है भैया, जब डेथ कम होंगी तो आपका टारगेट भी तो पूरा हो रहा है ना, आपको 8 बच्चे चाहिए थे, सपोज कि आपको चाहिए था 8 बच्चे, तो जब डेथ कम होंगी तो भाई रिप्रोडक्शन भी तो कम होगी, बर्थ रेट भी तब आपका कम होता, इस मतलब स्टार्टिंग में तो होता है, बाद में वो आपका डिक्लाइन हो जाता है। अब इस स्टेज में बेटा इम्प्रूवमेंट हो गई थी, किस चीज़ में, आपकी सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशंस में, लेड टू डिक्लाइन इन मोर्टलिटी। भाई पहले की बात, अगर हम पहले की डिलीवरी की बात करते हैं और आज डिलीवरी की बात करते हैं बेटा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। पहले एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ देना भी एक तरह से पहले एक पाप था, आप सभी जानते हैं, जो बैन हुआ था ये, जो अब इन्होंने बैन कर रखा है, ठीक है। तो पहले क्या था, इसलिए पहले मॉर्टलिटी बढ़ गई थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बॉय और गर्ल इक्वली मानते हैं। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। देखो ना भाई, एक्चुअल में स्टार्टिंग में भी यहाँ पे बर्थ रेट हाई रहा है, ठीक है, मॉर्टलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और इम्प्रूवमेंट, इस वजह से बेटा पॉपुलेशन क्या रहती है यहाँ पे आपकी, हाई जाती रहती है आपकी, ठीक है। लास्ट स्टेज बेटा हमारी आती है यहाँ पे, बोथ फर्टिलिटी एंड मॉर्टलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। अब ये क्यों है ऐसा भैया, इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस, देखो एजुकेशन आ चुकी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो चुकी है, इसलिए है द पॉपुलेशन है आइदर स्टेबल, या तो जो जनसंख्या पॉपुलेशन है स्टेबल है एंड ग्रो स्लोली, अगर हो भी तो स्लोली स्लोली बढ़ रही है, ठीक है, खास करके डेवलप कंट्रीज की बात देखी जाए तो। अगर आपका द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड लिटरेट एंड हैज हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज, ठीक है ना। पहले की बात करें, अगर हम आज से 30 साल पहले की बात करें, तो एक घर के अंदर भैया आप लोग ही देख लेना यार, कहीं मत जाओ, 5 से 5, 6 तो चाचा होंगे आपके, ठीक है, 3-4 आपकी मौसी होंगी, मामा उमा होंगे, ये पहले की बात थी। लेकिन अब जो आ रहा है, एक फैमिली प्लानिंग चल रही है ना कि भैया बच्चे 2 ही अच्छे, तो ये उस समय की बात है, ठीक है। बहुत एग्जांपल है आ रहे हैं, किसी किसी के पास तो पूरी पूरी की टीम होती है अपनी। जैसे अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति की, किसी, अगर हम खासकर बिहार की बात करें, तो बिहार में ये चीज़ आपको देखने को अधिक मिलती है बेटा, कि उन एरियाज के अंदर बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई, बट बहुत देर से, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने LPG की पॉलिसीज़ को, हम लोगों ने बहुत लेट से उन लोगों को, हम लोगों ने फॉलो किया था आपके। तो स्टेज नंबर 3 बेटा आपकी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, उससे ऊपर आएगा नहीं आपका। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, भाई थॉमस मलथूस की थ्योरी थी जो आई थी 1793 में। ये थ्योरी बोलती है कि भैया अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो भैया खाना कम पड़ जाएगा एक दिन आपको, फूड सप्लाई, देखो भाई सिंपल सी बात है ना, 4 लोग 4 रोटी खा सकते हो, काम चला लोगे, ठीक है, 8 लोग 4 रोटी दिक्कत होगी। अगर ये लोग जाएंगे 32 और 4 रोटी, तो फिर क्या होंगे, तो होंगे बेटा आपके वॉर, झगड़े। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिजीज होंगी आपकी, ये महामारी फैलेंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी आपकी, ये तो ये सब इसमें आपको ये पढ़ना, टॉपिक शॉर्ट है आपका, इसको भी इतना पढ़ लेना बस, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा ये। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आओ, मैंने ट्राई किया पूरा कि हर एक कंसेप्ट को आपको तरीके से मैंने समझाया है, जल्दीबाजी नहीं की है, टाइम लूंगा बट समझाऊंगा बेटा आपको मैं बहुत तरीके से, ठीक है बेटा। मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।